आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने जान से मारने की धमकी देकर की तोड़फोड़। मामला खरखौदा उपमंडल के गांव रोहना का है, जहां कुछ युवक हाथों में लाठी डंडे लेकर सोमवार की रात समय करीब 12 बजे एक घर के दरवाजे व शीशे तोड़कर गाली गलौज शुरू कर दिया। जब तोड़फोड़ की आवाज सुनकर परिवार वाले उठे तो जान से मारने की धमकी देकर सारे युवक गाली गलौज करते हुए अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि सोमवार की रात को ही 1091 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी गई। इस हरकत में गांव के ही कुछ युवकों के साथ कुछ अन्य युवक भी है। आपको बता दें कि शरारती तत्वों द्वारा की गई ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और गांव के ही कुछ युवकों की शिनाख्त हो चुकी है, जिसकी वीडियो फुटेज खरखौदा पुलिस को दी गई है। फिलहाल मामले की शिकायत अनिल रोहना ने खरखौदा पुलिस स्टेशन में दी है। अनिल रोहना की शिकायत पर खरखौदा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नाम अनिल है और उर्फ बिट्टू, नंबरदार गांव रोहना से हूँ मैं। सोमवार की रात करीब 12 बजे 8-9-10 आदमी थे, वो आए और हाथ में लाठी डंडे लिए हुए है। उन्होंने शीशे वीशे तोड़ने शुरू किए। हमारे को अंदर आवाज़ आई, भाई कुछ बार टूट रहा है, शीशे टूट रहे हैं, और हम बाहर निकले। बाहर निकल कर देखा तो कुछ 8-9 बंदे थे, वो शीशे वगैरह तोड़ने लग रहे थे। जैसे ही हमने और पड़ोसी उठ के आए, आवाज़ लगाई, वो वहाँ से भागा। गाड़ी गलौच, उन्हें काफ़ी गाड़ी गलौच दी है, अंदर तक ईंट भी बरसाई है, ऊपर के शीशे भी तोड़े हैं और जान से मारने की धमकी दी है। उसी टाइम धन्ना का फोन आता है, गाँव से ही, हमारे गाँव से ही धन्ना। किसके पास फोन आता? वो मेरे भाई के फोन पे आता है। और पहले तो भाई से दो बार उन्होंने नंबर मांगा था, फिर उसने भतीजे के फोन पर फोन कर कहा है तुमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है, और वो फोन फिर उन्होंने काट दिया। तो उसमें कुछ गांव के युवक है, पहचान भी हो चुकी है, सीसीटीवी कैमरा कैमरे लग रहे हैं वहाँ पर भाई, तो हमने उसकी पहचान करी है। एक आध दो आदमी गांव के भी है, उसमें कुछ और भी हो सकते हैं, उसमें 8-9 आदमी है, 10 भी हो सकते हैं, जैसे दिखाई 8-9 आदमी तो दिखाई दे रखे हैं उसमें। तो हमने शिकायत दे रखी है खरखौदा थाना में और उसकी फुटेज निकाल कर दे रखी है। हाँ, 10-91 पे हमने फ़ोन की है, वहाँ पे लेडीज ने उठाया था पुलिस कांस्टेबल ने, तो उनसे बात हुई, तब वहाँ पे PCR गई है और उन्होंने जो वहाँ पे देखा है लाठी डंडे वहीं पे पड़े थे वो लेके आए हैं। वह मांग करते हैं भाई उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि हो सकता है वो पता नहीं क्या नुकसान करेगा अब आगे भी। तो जो आपकी CCTV फुटेज थी उसमें किसी बंदे को आप जानते हो जिनकी शिनाख्त हो पाई? हाँ, जानते हैं। हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।